सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अश्वत्थामा आया रात्रि में और अश्वत्थामा अंधेरे में प्रवेश करता है सो रहे टेंट में। वो पांचों के पांचों बालक जो पांडवों के हैं, देखने में कदकाठी में उनके जैसे हैं। अंधेरे में समझ ना आया, अश्वत्थामा ने तलवार से सोते हुए बालकों की गर्दनें काट दी, एक वस्त्र में बांध के ले गया दुर्योधन के पास। और जब वहां जाकर पता पड़ा कि ये पांडवों की गर्दनें नहीं है, ये तो उनके पुत्रों की गर्दन है। आज दुर्योधन परेशान हुआ। दुर्योधन वैसे ही मृत्यु के निकट खड़ा है, लेकिन आज दुर्योधन परेशान हुआ। और दुर्योधन ने अपने मित्र अश्वत्थामा से कहा कि अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? इतना बड़ा युद्ध हुआ, मेरी जिद रही है, जो भी कुछ रहा, मैं जानता हूं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, लेकिन ये एक बड़ी घटना घट गई कि अब तो हमारे यहां चिराग जलाने वाला भी कोई ना बचा। हम तो सोच रहे थे अभी ये बच्चे रहेंगे। अश्वत्थामा को भी दुख हुआ। यहां द्रौपदी ने सुबह जैसे ही देखा, बस बच्चों की खबर आई, द्रौपदी कराह उठी और उसने शपथ खाई कि जिस व्यक्ति ने मेरे पुत्रों को इस तरीके से मारा है, मैं उसके रक्त से अपने केश धोऊंगी, मुझे वो व्यक्ति चाहिए। रोने लगे और रोती हुई वो सबसे कहने लगी, श्री कृष्ण और अर्जुन निकलते हैं और पकड़ के लाते हैं अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा आया है और अश्वत्थामा सामने खड़े होकर अपनी बात स्वीकारी, हां मैंने मारा है। चर्चा हुई सभी में कि इसको दंड कौन दे। सोचो जिस महिला के पांच पुत्र मरे पड़े हैं सामने, आज उसका दर्शन देखिए, दर्शन कितना महान है। रोने लगी, मत मारो। जब बात आई कि मार डालो, बोला मत मारो। अर्जुन ने कहा, क्या कह रही हो देवी, इसने हमारे पुत्रों को मारा, हम कैसे छोड़ दें? बोला मत मारो। क्यों 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 ना मारा जाए? इसलिए ना मारा जाए क्योंकि मेरे तो पति अभी जीवित हैं, इसकी मां का पति जा चुका है, और अगर ये भी मारा गया तो उस महिला का क्या होगा? आप विचार करें, एक स्त्री जिसके पांच पुत्र मरे पड़े हुए हैं, वो ये विचार कर रही है कि अगर ये मर गया तो इसकी मां के क्या हाल होंगे। आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं, कितना महान दर्शन, कितना महान दर्शन। विचार और इसको इसलिए भी नहीं मारा जा सकता क्योंकि ये ब्राह्मण है। मतलब ये कि ब्राह्मण हत्या तो हो ही नहीं सकती। बोला देवी, मगर इसने पाप किया है। बोला इसको इसलिए भी नहीं मारा जा सकता क्योंकि इसको मारने का मतलब गुरु हत्या है, क्योंकि पिता की आत्मा पुत्र में प्रवेश करती है, वहीं से तो जनित है। अगर इसको मार दिया गया तो गुरु हत्या लगेगी, नहीं मारा जा सकता। रोती हुई, चीखती हुई द्रौपदी आज अपने जीवन के उस दर्शन को जी रही है जहां उसको कोई सहारा देने वाला नहीं है, ना उसको कुछ समझ आ रहा है। सामने सिर्फ श्री कृष्ण आंसुओं की धार और ज्ञान की गंगा बहा रही है। ज्ञान की गंगा को बहाती हुई द्रौपदी मानो अपने जीवन के उस दर्शन को खोज बैठी जहां श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं।
आप विचार कीजिए, जिस स्त्री के पांच पुत्र न रहे हैं, जो हत्यारा है वो सामने खड़ा है, उसको क्षमादान दे रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी पढ़ना है तो द्रौपदी को जरूर पढ़िएगा, और जो आपने द्रौपदी को पढ़ लिया तो आपके मन के बहुत सारे भ्रम स्वतः समाप्त हो जाएंगे, स्वतः समाप्त हो जाएंगे। द्रौपदी जैसी सती और महान नारी युगों युगों में पैदा होती है, युगों युगों में।